बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल रविवार को रक्सौल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की ओर से तटबंधों के निर्माण पर कहीं न कहीं 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। संजय जायसवाल ने दावा करते हुए कहा कि यह जो 7,000 करोड़ खर्च किए गए हैं, महज 70 एकड़ खेती भी बाढ़ से नहीं इससे बचाई जा सकती है। रांची के बांध निर्माण के नाम पर घोटाला किया जा रहा है बिहार में। बिहार सरकार केंद्र के द्वारा दी जा रही राशि का सही उपयोग नहीं कर रही है। केंद्र यहां के लोगों की सुविधा के लिए पैसा दे रही है और सरकार घोटालेबाजों की तरह घोटाला करने में व्यस्त है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा पर भी तंज कसते हुए कहीं ना कहीं संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार में बारिश की कमी से सारे किसान त्राहिमाम हैं, लगातार परेशान चल रहे हैं। वाटर लेवल दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, जिस कारण जिले के कई प्रखंडों में चापाकल पानी देना बंद कर दिया है। बिहार सरकार को उसकी चिंता ज्यादा करनी चाहिए। और संजय झा बयान देते हैं कि बाढ़ से बचाव के लिए केंद्र सरकार को नेपाल से बात करनी चाहिए। इसको पूरा विश्वास से कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनको पूरा विश्वास है कि जो भी तटबंध बनाए गए हैं वह थोड़ी सी कहीं ना कहीं बाढ़ की पानी आई तो बनाई गई तटबंध बह जाएगी। तो वहीं इस कारण कहीं ना कहीं देखा जाए तो बस अपनी नाकामी का ठीकरा पहले से ही केंद्र सरकार पर थोपने की तैयारी कर रहे हैं संजय झा। बीजेपी सांसद ने कहा है कि बारिश की कमी के कारण किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं परेशान चल रहे हैं, आम लोगों को पीने के पानी भी नहीं मिल रहे हैं, तो वहीं कष्ट से जिस तरीके से पानी है वो भी मिल रहा है। इस परिस्थिति में भी बिहार सरकार में कहीं ना कहीं नल जल घोटाला के कारण पूरे प्रदेश में नल जल कहीं ना कहीं टावर शोभा की वस्तु मात्र बनकर रह गई है। तो वहीं देखा जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत का कहीं ना कहीं अधिकार को छीनकर सरकार मंत्री स्तर पर कहीं ना कहीं दे रही है, तो वहीं जिससे राशि का बंदर बाट हो सके। केंद्र सरकार चाहती है कि हर खेत के लिए बिजली की व्यवस्था हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरा पैसा दे दिया है। इसके बाद भी बिहार में कहीं ना कहीं यह प्रोजेक्ट 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद पीछे चल रहा है। वहीं आगे बीजेपी नेता ने कहा है कि दरभंगा एम्स के लिए चयनित जमीन पर 350 करोड़ रुपए मिट्टी भराई के नाम पर कहीं ना कहीं आवंटित किया गया था, तो वहीं अब की कहीं ना कहीं देखा जाए 350 करोड़ रुपए में कहीं ना कहीं दरभंगा के किसी और हिस्से में जमीन लेकर एम्स बनाया जा सकता है। लेकिन बिहार सरकार विकास विरोधी की नियत पाल रखी है और इस कारण यहां भी घोटाले के कहीं ना कहीं नियत से 350 करोड़ की राशि मिट्टी भराई के नाम पर खर्च किया जा रहा है। तो बता दें आपको कि बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है संजय जायसवाल ने। उन्होंने साफ कह दिया है कि दरभंगा एम्स के नाम पर मिट्टी भराई के नाम पर 350 करोड़ की राशि घोटाला किया जा रहा है। घोटालों का आरोप जो है कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर डालने का काम कर रहे संजय जायसवाल। तो वहीं जिस तरीके से बाढ़ पीड़ितों को लेकर पैसा दिया गया है 7,000 करोड़, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं खेती के नाम पर संजय झा घोटाला कर रहे हैं। बांध निर्माण को देखते हुए घोटाले बाजों की ये सरकार है, तो वहीं घोटाला लगातार बिहार सरकार में किया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के आती है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।